बलदेव, आज हमें अपने अब्बा हुजूर की बड़ी याद आ रही है। काश कोई ऐसा तरीका होता कि हम अपने अब्बा हुजूर से बात कर पाते, वो हमसे बात कर पाते, एक दूसरे से हम रूबरू हो पाते। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय नमः। नालायको, तुम्हारे सामने मुगलिया सल्तनत के बेताज बादशाह हुमायूं खड़े हैं और तुम उनका इस्तकबाल भी नहीं कर रहे हो। जापना, लगता है बड़े जापना हुमायूं जी की आत्मा शहजादे सलीम में आ गई है। ये दारा सिंह जी कहाँ हैं? वो जल्द से जल्द यहाँ पर आए, हम उनसे मिलें, उन्हें निपटाकर यहाँ से भेजें। वरना अगर उन्होंने देख लिया कि मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का बेटा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा है, तो इस बात का वो बाहर जाके पूरी रियासत में ढिंडोरा पीट देंगे। हम बहुत नाराज हैं तुमसे नामकूल। आप हमसे इतने नाराज क्यों हैं बेटे? ये क्या तरीका है? सब लोग सलीम से डरे क्यों हैं? ये तो इन सबसे छोटे हैं ना? नहीं नहीं, सलीम से डरे कोई नहीं है। बादशाह अकबर किसी से डरेंगे क्या? वो क्या कि शहजादे सलीम प्यार करते हैं सब इनसे। आखिर अगले बादशाह शहजादे सलीम ही हैं, तो सब प्यार करते हैं, डरे कोई नहीं है। हम सबसे बहुत नाराज हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन आप नाराज क्यों है? नाराज होने की वजह तो बताइए बेटे। अरे, दोपहर हो गई है और किसी ने अभी तक हमें खाने के लिए नहीं पूछा। सलीम, दारा सिंह जी, आप यहीं रुकिए, आप नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों? हमें अपने शागिर्द से मिलने से कौन रोक सकता है? आपको कौन रोक सकता है? लेकिन मुगलिया सल्तनत का एक उसूल है कि कोई भी शाही मेहमान जब आता है तो सबसे पहले उसे हम बिरबल भगवान नहीं, सबसे पहले उसे हम शाही मेहमान कक्ष में ले जाते हैं, उसकी सेवा की जाती है, उसे खिलाया पिलाया जाता है, उसके बाद ही वो मेहमान शाही परिवार से मिलता है। तो आप भी चलिए, आपके लिए बढ़िया सी शाही खीर बनवाई गई है। मुगलई खीर? बरसों हो गए खाए हुए, ये अच्छा उसूल है तुम्हारा। चलिए शाही खीर। लेकिन शाही खीर, अरे अरे, हमारे दारा सिंह के गुरुजी, गुरुजी, अरे क्या हुजूर, आपने हमें हमारे गुरुजी से क्यों नहीं मिलने दिया? अभी तो बाल बाल बच गए बीरबल, आगे क्या करेंगे? जापना, शहजादे सलीम को फिर से सुलाना पड़ेगा और इस दारा सिंह जी को जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत करना पड़ेगा, वरना ये सबको जाके बता देंगे कि आपके अब्बू जान आपको। अरे ये आप लोग क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं, हमें बताइए ना कि हमें हमारे गुरुजी से क्यों नहीं मिलने दिया? हर बात बताना हम आपको जरूरी नहीं समझते। बताते हैं, अब्बा हुजूर, हम अच्छी हाँ बताइए अब्बा हुजूर, क्यों नहीं मिलने दिया? चलिए जाइए 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 जाइए, उधर चल चल, उधर चल 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 चल, उधर। सलीम भाई साहब, ये रुकिए, ये फूफू का हुक्म है। ए वासु, शाही खून है हम, तू हमें बता कि हमें हमारे गुरुजी से क्यों नहीं मिलने दे रहे? सलीम भाई साहब, वो मैं आपको नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। हम अभी जाकर मिल के आते हैं। अरे आप समझ नहीं रहे शहजादे सलीम, रुकिए, आप नहीं जा सकते क्योंकि हमने आपके लिए बादाम पिस्ते का दूध मंगवाया। इस वक्त
अरे आपने आप को देखिए, आप कितने कमजोर हो गए हैं। मतलब आप कितने कमजोर हो गए हैं। बादाम पिस्ते का दूध आपको पीना चाहिए। वैसे बीरबल राजा दरबार का रहेगा, दूध लेकर अब तक आए क्यों नहीं? आते होंगे जापाना। अरे कब आएंगे, सारा का सारा दूध रास्ते में पी गए होंगे। वासु आप जरा जाकर पिताजी से कहिए कि दारा सिंह जी को लेकर शाही बगीचे में आ जाए, शहजादे सलीम उनसे मिलने बस आ ही रहे हैं। किसके पिताजी से, आपके के मेरे? आपके पिताजी तो यही है बबू, कभी भी आ जाएंगे। वो वाले पिताजी, चोटी वाले। दूध चापना, दूध। अरे लीजिए, दूध भी आ गया। अरे सिर्फ बादाम पिस्ते वाला दूध ही नहीं जापना, हम इसमें हाँ जड़ी बूटी से बना चूरन भी मिलाएंगे। हाँ हाँ, अरे बीरबल आप उसी चूरन की बात कर रहे हैं ना, जो खास खजुराहो के जंगल के खजूर का चूरन, जिसको खाने से दस हाथियों की शक्ति आ जाती है, वही वाला चूरन ना? हाँ जापना, वही वाला चूरन, दस हाथियों की शक्ति वाला चूरन। अरे जापना, अगर रुस्तम हिंद दारा सिंह ने शहजादे सलीम को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी, तो उन्हें दस हाथी की शक्ति चाहिए ना? हाँ, शाही खून है हम, हमें दस दस हाथियों की शक्ति चाहिए। बीरबल जी आप मिलाइए चूरन। मिलाइए ये दूध हम अपने हाथों से शहजादे सलीम को पिलाएंगे, आखिर ये हमारे कपूत हैं, मतलब हमारे सपूत हैं। लीजिए मिला दे, जरा मिला ले जरा। आहा हा, लीजिए दूध तैयार। ये क्या है? ये बादाम पिस्ते का दूध है आपके लिए, मतलब आपके लिए नहीं, शहजादे सलीम के लिए लाए थे हम। वाह बेटा वाह, हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने बेटे से कितना प्यार करते हो। हम तो कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाए, लेकिन आज हमें ये मौका मिला है कि जो काम हम तुम्हारे बचपन में नहीं कर पाए वो आज करेंगे। अब ये दूध हम तुमको पिलाएंगे अकबू। नहीं, देखिए ये हम नहीं। पियो बेटा। नामकूल, तुमने हमारा प्यार भरा प्याला गिरा दिया। प्याला प्यार भरा नहीं, नींद भरा। बड़े जापना, क्या है कि छोटे जापना को नींद आ रही है, तो आप इन्हें आराम करने दीजिए, तब तक आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ये शाही महल दिखाते हैं। अरे तुम हमें क्या महल दिखाओगे, ये महल हमने ही बनवाया था, और जब बनवाया था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तो आप हमें दिखाइए। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, आपने बनवाया, आप दिखाइए। चलिए। अरे चलिए चलिए। अरे तारा सिंह जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आप आंधी की तरह किस तरफ प्रस्थान कर रहे हैं? ओ, हम अपने चेले सलीम पुत्र से मिलने जा रहे हैं, चार उसके साथ वर्जिस की बातें करेंगे और 200-400 दंड भी पे लेंगे। लेकिन आप नहीं जा सकते। क्यों, अब क्या हुआ? अब आइए आइए बड़े जापना, आइए आइए आइए, मत आइए। अब आप नहीं जा सकते क्योंकि हम आपको दंड पेलने की चुनौती देते हैं, आप हमें हरा कर तो बताइए। लगता है आज सबका दिमाग खराब हो गया। खैर चलो आज तुम्हारे साथ ही खेल लेते हैं। आइए आइए। ये दीवार बताइए बड़े जापना, इस दीवार के पीछे क्या इतिहास है? आइए दारा सिंह जी, देखिए देखिए हमारा कमाल। आ,
इस दीवार के पीछे हमने हमारे सर में दर्द करने वाले एक दरबान को चिनवा दिया था। वो हमेशा हमारे तख्त के पीछे भाला लेकर खड़ा रहता था। हमने उसे ही चिनवा दिया। बस दीवार है और कोई इतिहास नहीं है। चलो। अरे बाबा, ऐसे कैसे कोई इतिहास नहीं है? देखिए तो इस दीवार की नक्काशी देखिए, क्या कमाल की कारीगरी है दीवार की। तो बाहर दंड जाने शुरू हो जा। दंड दंड कोई नक्काशी नहीं है, वक्त के साथ काले धब्बे पड़ गए हैं बस, और क्या। हमारे बिना अकबू ने हमारे महल की क्या हालत कर दी है। ये देखो टूटी हुई दीवार। हम अभी जाकर अकबू से मिलते हैं और उसे यहाँ लेकर आते हैं। हाँ, चलिए चलिए। अरे बड़े जापना, बड़े जापना संभाल के। अरे जापना, नींद में उन्हें चोट लग जाएगी। अरे चोट तो हमें लगी है, ये देखकर कि हमारे बिना अकबू ने इस महल की क्या हालत बना दी है। ये क्या है अकबू? अरे शहजादा सलीम। ओ मेरे शागिर्द, आखिर तुम मिली गए पुत्र। अरे हाथ हटा ना मकूल। कैसे कैसे वाहियात दरबान पाले हुए हैं इस महल में। ओए दरबान किसको कहते हैं? ओ हम तो पहलवान हैं। ओ जिसने तुझे कसरत सिखाई जब तू लंगोट पहन के घूमा करता था। ओ दारा सिंह है दारा सिंह, कुछ ही सालों में भूल गया हमको है। ओ हो, तो तुम वो दारा सिंह हो जो बचपन में इस महल में दुबले पतले बिना लंगोट के घूमा करते थे, जिसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। अरे हमारी मार खा के ही तो तुम इतने बड़े हुए हो। अकबू इसे अभी इसी वक्त इस महल से बाहर निकाल दो। हम समझाते हैं। ये सलीम बड़े जापना क्या ये सब है? लगता सब पागल हो गए हैं। अरे नहीं नहीं दारा सिंह जी, दरअसल बात ये है कि अकबू ये लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हैं, हमें तो बगावत की बू आ रही है। नहीं नहीं हुजूर, वो दारा सिंह जी को जो जो चीजें याद नहीं आ रही वो बीरबल उन्हें याद दिला रहे हैं। बड़ा होनहार है ये बीरबल। बड़े जापना माफ कर दीजिए हमें, हम तो आपको समझ ही नहीं पाए। मेरे गुरु थे आप, मेज पर खड़े होकर मार मार कर मुझे सब कुछ सिखाया। जय हो आपकी जापना, जय हो। दारू हमारी दुआ तुम्हारे साथ है, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और खूब तरक्की पाओ। अकबू जी अबाजू, आज रात दीवाने खास में सभी लोगों को पेश किया जाए। आज हम सभी लोगों को ठीक करके रहेंगे। जी अब्बा हुजूर। जापना आप क्यों डर रहे हैं? हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अरे हम चुगलखोर थोड़ी हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। लोगों के यहाँ तो बेटा होता है, आपके यहाँ तो साक्षात बाप पैदा हुआ है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। लगता है मैं दुनिया का सबसे पहला आदमी हूँ जो अपने शिष्य के दर्शन करने आया था और गुरु के दर्शन पा गया। हमें तो अपने पिताजी की याद आ गई। हमें अपने प्रदेश जाना होगा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें उनकी सेवा करनी है। हम जा रहे हैं, हम जाते हैं।
बच गए, बाल बाल बच गए बीरबल। अब आप जरा बलदेव से कहिए कहीं से भी जाकर वो बाबा कंगाली को ढूंढ कर लाए। बंगाली, बंगाली, बंगाली। हाँ हाँ, बंगाली नाम है उनका, बंगाली। क्या कंगाली कंगाली बोलते रहते हैं आप, बंगाली नाम है उनका। आपको किसी को डांटने का मन तो नहीं कर रहा है ना? डांटने का नहीं, दांत तोड़ने का मन कर रहा है, उस इंसान का जिसने हमें हमारे वर्जिश के गुरु दारा सिंह जी से मिलने नहीं दिया। अच्छा, गुरु दारा सिंह, मतलब ये तो सलीम है। हम खामखा घबरा रहे हैं। ओ शहजादे सलीम, हमारे तख्त पे क्या बैठे हैं आप? उठिए यहां से, निकलिए। अब्बा हुजूर आ गए, अब्बा हुजूर। पानी पानी पानी। जा पना, ये हिचकी तो आपके गले का कांटा बन गई है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब अच्छा है। रुकिए, शाही खून है हम, अब ठीक है। अब भी सलीमी। हमारे तक पे बैठने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? उठिए, खड़े होइए, उठिए यहां से, उठिए यहां से और निकलिए, वरना शायद आपको पता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। अरे हर बार नाटक करते हैं, होता सलीमी है। नमकुल। अब्बा हुजूर, यही सीखा है तुमने कि अपने अब्बा हुजूर को तलवार दिखाकर उनकी गद्दी छीन लो। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अकबू। आओ बेटा, हमारी गोदी में बैठ जाओ। आओ। जी 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 जी। बेटा अकबू, बचपन में तुम अपने नन्हे नन्हे पैरों से आकर हमसे लिपट जाते थे। हम पैरों से ही लिपट जाते थे? अरे नहीं अकबू, बैठो। अपने पैरों से दौड़ कर आते थे और अपने हाथों से लिपट जाते थे हमारे पैरों पर, और हम तुम्हें अपने पैरों से मार कर जंग पर चले जाते थे, और तुम सारा दिन इस महल में अंगूठा चूस चूस कर रोया करते थे अकबू। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, कोई गलती नहीं है। गलती हमारी ही है कि हम अपने वालिद होने का हक नहीं निभा पाए। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अकबू। अब हम उस वक्त की पेट भर भर के भरपाई करेंगे, और हम अब सारा वक्त तुम्हारे साथ ही रहेंगे अकबू। सारा वक्त। खुदा से दरख्वास्त करेंगे कि वो आपको अपने पास बुला ले। करते रहिए। बीरबल, ये अब्बा हुजूर की आत्मा को बुला के हमने एक बहुत ही बड़ी समस्या को बुलावा दे दिया है। नहीं, हम अब्बा हुजूर से बहुत प्यार करते हैं और हम मानते हैं कि वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाए कि अब हम बच्चे नहीं हैं।
हिंदुस्तान के बादशाह हैं हम। हम समझ सकते हैं जापना। वासु, हाँ? पिताजी का कोई संदेश है? अरे किसके पिताजी? मेरा पिताजी या फूफू का पिताजी? ये सवाल एक बार और अगर आपने ये सवाल पूछा तो हम अपने अब्बा हुजूर को वापस जन्नत भेजे ना भेजे आपको जरूर भेज देंगे। पिताजी का संदेश आया है फूफू, उन्होंने बंगाली बाबा को बहुत ढूंढा, बंगाल से लेके राजस्थान तक ढूंढा पर बंगाली बाबा का कुछ पता नहीं चला, और अब पिताजी बंगाली बाबा को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। घोड़ा थक गया है, अभी विश्राम कर रहे हैं। जापाना, वैसे तो आत्मा पर हमारा कोई खास विश्वास है नहीं, पर जो दिख रहा है उसे अंधे का भी तो नहीं कर सकते। हमने सुना है कि कोई भी आत्मा तब वापस लौट आती है जब उसकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए। हमें पता लगाना चाहिए कि जापाना की कोई आखिरी इच्छा थी या नहीं। हमारे पास एक तरकीब है। खाना खा कर रहेंगे। खामोश गुस्ताक, ये सब क्या है? बड़े जापना, हमारे जापना आपके साथ हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं, ये आपकी दुनिया में आना चाहते हैं, इसलिए अपनी जान दे रहे हैं। इस खाने में जहर है। ये सब क्या है? अब्बा हुजूर, आप ही तो कह रहे थे कि आप हमारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। बचपन में जब हम आपके साथ खेलना चाहते थे तब आप जंग पे चले जाया करते थे। आप ही ने कहा था अबूजान, अब आप यहां पर रह सके या ना रह सके लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ ऊपर चलेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अरे नहीं अकबू, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक बाप के लिए उसकी औलाद जैसी तैसी भी हो लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसकी औलाद की जान को कोई खतरा हो। अकबू, एक बाप के लिए उसकी औलाद की मौत से बड़ा दुख कोई नहीं है। हमें नाज है आप पर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आप यहीं रहकर अपनी आवाम और अपनी राज्य का फर्ज पूरा कीजिए। हमें नाज है बेटा अकबू, हमें नाज है आप पर। अब हम यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अलविदा अबू। बड़े जापना, अबू, अरे अबू, 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 बड़े जापना, अबू, अबू, अबा हुजूर, अबा हुजूर। अब्बा, मतलब अब्बू जान जा चुके हैं। अब उनकी आत्मा को शांति जरूर, अब उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। अब्बा उठे सलीम, वाह वाह बीरबल, वाह वाह वाह, आपकी दानिशमंदी इंसानों पे ही नहीं आत्माओं पे भी भारी पड़ गई। वाह अब्बा हुजूर, आपको पता है कि हमारे सपने में दादा हुजूर आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि हम हर वक्त साए की तरह आपके साथ रहें। अब्बा हुजूर, अब हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। वाह भाई, बेटा तो बेटा, बाप रे बाप। फूफू, किसका बाप, आपका बाप या मेरा बाप?